हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 22 अगस्त के क्विज का सलूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स टेंजेंट, और अंदर दिया है -π/4। तो सबसे पहले वी नो दैट टेंजेंट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये अप्लाई करेंगे हम। तो अब सबसे पहले टेंजेंट π/4 ही ले लेते हैं। तो कितना हुआ, टेंजेंट माइनस पाई थीटा, आपका 5π/4 था, नेगेटिव था, तो बाहर ले आई मैं इसको। आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस टेंजेंट पाई प्लस π/4। क्लियर? तो ये पाई प्लस π/4 मतलब 180 प्लस थीटा। कितना होता है टेंजेंट 180 प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो ये टेंजेंट थीटा ही होगा π/4। और आपको पता है बाहर क्या था, ये मैंने इतना सॉल्व किया, बाहर था माइनस साइन इनवर्स, और ये भी पता होगा ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, बाहर माइनस है तो -1 होगा। तो इसमें डाल दीजिए साइन इनवर्स -1, कितना हुआ ये π/2। आपको वैल्यूज याद रखनी है, नेगेटिव में π/2। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज 2, और इक्वेशन दी है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स -b/a। तो ये है -p/a, माइनस ऑलरेडी है क्वेश्चन में भी, माइनस है तो क्या हो गया, ये फॉर्मूलाज में भी माइनस है, क्वेश्चन में भी माइनस है, तो प्लस हो गया, और ये कितना है 1 है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू, ठीक है, बीटा क्या हुआ c/a, सी आपका है 8 और a है 1। एंड एक और दिया है कि अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ टू रूट वो दिया है 2। क्लियर? तो बस डाल दीजिए क्या करना है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्केयर कितना होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस -2 into ab। क्लियर? तो ये था a माइनस अल्फा माइनस बीटा, 2 का स्केयर 4, और ये निकल जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2। अल्फा बीटा कितना है 8, 16 इधर लेके आओ तो मतलब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आपका 20 हो गया। इज दैट क्लियर? अब a प्लस बी का होल स्केयर लगा दीजिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 into ab। सम ऑफ रूट कितना है आपके पास, p, मतलब p का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता चला क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, प्लस 2 into अल्फा बीटा, 2 into 8 16, तो 36 होता है ये, इट मींस प्लस माइनस 6। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी इसका, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, मैं किसके अलोंग करूंगी, एक्सपेंड इसको अलोंग, एक्सपेंड अलोंग c1, क्योंकि c1 में आपके देखिए 2 0 दिए हुए हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा डिटर्मिनेंट c1 के अलोंग। तो करो, ये है प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट वाले को करूँगी 1 4 1 4 और नेक्स्ट 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 4। अब आपके पास क्वेश्चन में देखिए 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो गिवन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा 3 0 3 0, ये 3 3 2 6 0 0 4 3 12। इसका भी डिटर्मिनेंट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, यहाँ भी यही करूँगी अलॉन्ग c1, तो 3 12 3 36 और ये वाला -0, तो ये हो गया 108। तो फाइनल क्या हुआ, आप ऑप्शन देखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल है, थ्री टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो 3 4 12 होता है, तो नहीं हुआ, ये तो 108 है, 9 टाइम्स नहीं हुआ, तो फाइनल क्या हुआ 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि 27 फोर जा कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए 4 है, 108 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये दिया है आपके पास. सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स है, क्या है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 - x + 7. वी नो दैट, क्या जानते हैं मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. मेरा एक्स क्या है फिलहाल यहाँ पे ये वाला मॉड ऑफ एक्स, वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एडिंग बोथ साइड 7, तो क्या हो जाएगा ये 7 + 3 - x > 0 + 7 7 हो गया. ये पूरा देखिए क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स है, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7. तो मिनिमम वैल्यू क्या आई 7. क्लियर, तो आपका फाइनल आंसर दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, आपके पास ये क्वेश्चन है. तो रियल रूट निकालने के लिए हमें इक्वेशन पता चाहिए सबसे पहले. तो ये 3 2x² - 7x + 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 कर दिया, ये कैंसल आउट हो गया. इट मीन्स 2x² - 7x + 7 इज इक्वल टू 2. टू इधर ले आओ, 2x² - 7x + 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हम डी चेक करते हैं. डी क्या है हमारा, होता है डी होता है हमारा b² - 4ac. b कितना है -7 का स्क्वायर, 4 × a × c 2 × 5, तो कितना हुआ 49, और 8 × 5 = 40, इट मीन्स कितना है 9. डी क्या आया ग्रेटर देन 0, तो क्या कितने रूट्स हो गए आपको पता है क्वेश्चन में, 2 रूट्स हो गए, वो भी 2 रियल रूट्स. आगे करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी. क्लियर है, तो नंबर ऑफ रियल रूट पूछे थे आपके पास, तो 2 रूट्स हुए. आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच.